गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोगों? मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूं भाई आप लोगों के सामने। लास्ट वीडियो से ये वीडियो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको पता है कि हम आगरा पहुंच गए थे। आगरा पहुंच के प्रॉब्लम क्या आई थी कि हमारे जिन भाई के पास में हम रुके हुए थे उनके कोविड पॉजिटिव आ गया था। तो उनके कोविड पॉजिटिव आने की वजह से हमें भी थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं हम भी लपेटे में तो नहीं आ गए। तो फिर हमने तय किया कि हम वापस गुड़गांवा जाएंगे और हम वापस गुड़गांवा चले गए थे। दिवाली जो हमने अयोध्या में मनानी थी वो मनाई हमने गुड़गांव में। तो कल सुबह हम वापस जा रहे हैं आगरा में। एक मित्र जा रहे हैं हमारे जो कि जिनको मथुरा जाना है, तो वो हमें मथुरा ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद में आगे हम पक 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 अपनी राइड करते हुए निकल जाएंगे। तो ये तो थी थोड़ी सी जो फ्लैशबैक की स्टोरी थी। इस बार हम कोई जल्दी में नहीं जा रहे, बड़ी मस्ती में जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं आगे का। अभी हम है अकबर की समाधि पे। ये किला है, अभी सिकंदरा सिटी है जो कि आगरा से 5-7 किलोमीटर पहले है। तो उसमें अभी हम खड़े हैं। हम है गुरु के ताल में। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। और कैसे हम? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। और गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज आए इस जगह पर इसलिए थे कि जब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कृपा राम 500 पंडितों को जथा लेकर आनंदपुर की धरती पर गए, उन्होंने गुरु के चरणों में अरदास की, बेनती की कि गुरु तेग बहादुर महाराज हमारे धर्म की रक्षा करो। फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भी प्रण किया था कि जाओ औरंगजेब को बोलो। और गुरु महाराज जी को नीचे हमारे जब पुरातन है 500 साल ये पुरानी अंदर की जो इमारत बनी हुई है वो 500 साल से पुरानी है, अंदर का दरबार जितना भी है। और गुरु महाराज जी फिर यहाँ पर 9 दिन नज़रबंद रहे। 9 दिन के बाद गुरु तेग बहादुर महाराज जी इस जगह से दिल्ली के लिए रवाना हुए। गुरु महाराज जी का यह संदेश है, उपदेश है कि जो भी श्रद्धा और भावना से इस जगह पर आकर नतमस्तक होगा उसकी तमाम इच्छाएँ और कामनाएँ पूर्ण होंगी। ये तो थे हमारे साथ ग्रंथी अजैब सिंह जी। और अभी हम हैं गुरु के ताल आगरा में। और अब तो भाई अब हम पहुंच गए हैं, ईस्ट गेट है ताजमहल का, क्यों अजय? हाँ, तो ईस्ट गेट पे आ गए हैं। और यहाँ पे इसकी एक तरफ शिल्पग्राम है और यहाँ से आधी किलोमीटर जाके ताज का मेन गेट आ जाएगा। टिकट आप यहाँ से ले सकते हो। और भाई मैं और अजय आ गए हैं दशहरा घाट पे, और पीछे देख रहे हो ताज। इसके कुछ व्यूज़ हैं जो लिए हैं। एक्चुअली आए तो थे हम सनसेट देखने के लिए, पर हम सनसेट से थोड़े से लेट हो गए। और ये जमुना जी है, देखिए अब रंग से आप जमुना जी को देख सकते हो। तो हालत ख़राब ही है। और ये दशहरा घाट है, तो यहाँ पे क्या पूजा पाठ होती है क्या? हाँ, पूजा पाठ होती है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ अभी आगरा में, होटल में हूँ। सुबह के 5:30 बजे अभी हम उठ गए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से ताजमहल का सनराइज देखा जाए। तो मैंने अजय को बुलाया है। यार अजय यहाँ पे एक साइकिलिस्ट है जो कि कल हमारे साथ में थे, तो हम दोनों लोग अभी जा रहे हैं। हम ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ से हमें सनराइज दिख जाए और ताजमहल का व्यू दिख जाए। तो दोस्तों अच्छे अच्छे फोटो देखने के लिए और मेरा लाइव अपडेट देखने के लिए आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पर जाइएगा। इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी है cycle_baba। हम पहुँच गए आगरा फोर्ट पर। आगरा फोर्ट पीछे देख रहे हो, जो शारजा जी थे उनके आखिरी के 8-10 साल यहाँ पे बीते थे। यहाँ से एक व्यू आता है जो कि आप जहाँ से आप पूरा ताजमहल देख सकते हो। तो उनको एक काल कोठरी में डाला गया जहाँ से ताजमहल दिखता था। एक्चुअली क्या है कि शारजा के बेटे ने उनको लास्ट के 8-10 साल तक बंदी बना के रखा था। देखने में बहुत सुंदर है, अंदर हम जाने वाले नहीं हैं क्योंकि अभी मॉर्निंग के 6 बजे हैं और 6 बजे ही हमें यार यहाँ पर हॉर्न का पता नहीं क्या चलन है। देखना खाली रोड पड़ा है फिर भी हॉर्न बजाता आ रहा है। अजय आ गया, अजय और हम साइकिल करते करते रेड फोर्ट के सहारे होते हुए अब हम कहाँ से जाएंगे? हम रेड फोर्ट के बैक साइड से। अच्छा। और होते हुए और ब्रिज है यमुना किनारा, उससे होते हुए मेहताब बाग जाएंगे। okay. से यमुना की दूसरी तरफ। ओके okay. हम पहुँच गए मेहताब बाग। सबसे अच्छी चीज लगी मुझे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से, इस कोड को स्कैन करो और अपनी पेमेंट कर दो।
सो भाई हम आ गए हैं बिल्कुल बैक साइड में मेहताब गार्डन में। मेहताब गार्डन को मूनलाइट गार्डन भी बोला जाता है और ये बिल्कुल आइडेंटिकली बना हुआ है जो कि ताजमहल के अंदर का गार्डन है उसका। और कहते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैक मार्बल का ताजमहल बनना था जो कि कभी नहीं बन पाया। तो ये देखो, सिर्फ हमारे बीच में एक यमुना नदी है और इतनी ही दूर है, ज़्यादा दूर है नहीं ये, पर देखने में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दूर होगा। और दूसरा, कल हम वहाँ पे खड़े थे दशहरा घाट पे, तो आज हम इस यमुना नदी के अपोजिट साइड आए हैं। इस यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे लगभग 15 किलोमीटर राइड करना पड़ा क्योंकि मेरा होटल जो है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड है और हमें घूम के वापस आना पड़ा भाई। तो भाई एक बात का ध्यान रखो, जब कभी भी आप मेहताब पार्क आओ या हो रहा हो तो आपके पास कैमरा तो अलाउड है पर कैमरे का ट्राइपॉड अलाउड नहीं करेंगे, चाहे छोटा सा हो। हमारे पास इतना निक्का सा ट्राइपॉड है हमारे, इसका जो कि स्टैंड है इसका पकड़ने का, उसके लिए भी बोले कि इसको बाहर छोड़ के आओ। कोई बात नहीं, हम तो छोड़ाएंगे भाई, पर अजीब सा लगता है कि जो फोटोग्राफर्स आते हैं, मतलब ताज को तो फोटोग्राफी के लिए बड़ा फेमस है वर्ल्ड वाइड, और इसके अगर फोटोग्राफर आते हैं बगैर ट्राईपोड यार कैसे फोटोग्राफी करेगा कोई। लो जी हम आ गए हैं चिमन अंकल की पुड़ियाँ खाने के लिए, और पुड़ियाँ देखो ये आ गई है, कैसी है? एकदम बढ़िया, अभी टेस्ट करेंगे तब बताएंगे। बता फिर खा। ये अचार, चटनी, रायता सब्जी, ये किस चीज की सब्जी है? काशीफल और साथ में गुलाब जामुन। पूड़ी अच्छी बनी हुई थी, प्लेट 85 रुपीस की प्लेट है। और अब हम चलते हैं कहीं पे चाय पियेंगे और फिर वापस रूम की तरफ जाएंगे भाई। तो भाई मैं आ गया हूँ एक हमारे भाई साहब का फार्म हाउस है, भूमेंद्र पाल जी का, उनके फार्म हाउस पे आ गया हूँ। मेरे साथ अजय भी आ गया है और हम दोनों उनके फार्म हाउस पे आए हैं। तो अब उनके फार्म हाउस में एक्चुअली एक कान में बात बताऊँ, ये पुराने राजाओं की फैमिली के लोग हैं। उनके ग्रैंडफादर का कभी हंटिंग का शौक़ था तो उस टाइम वो हंटिंग वेंटिंग करते थे, तो कुछ उन्होंने लाइब्रेरी में चीज़ों को संभाल के संजो के रखा हुआ है, तो वो चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? नमस्कार, बिल्कुल ठीक। वेलकम आपका आवागढ़ फार्म्स में। हम लोग जादौन राजपूत हैं। अच्छा अच्छा। और करौली से निकास है हम लोगों के एंसेस्टर्स की, और फिर आगरा के पास में आवागढ़ में आके सेटल हुए। राजा बलवंत सिंह जी हमारे पूर्वजों में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की स्थापना करी, ये करी 1897 में, और उसके भी पहले 1885 में राजा बलवंत सिंह कॉलेज की स्थापना करी जो कि एशिया में सबसे बड़ा है और 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इसके कैंपसेस हैं। ये मेरे ग्रैंडफादर जो हैं उनको शिकार का काफ़ी शौक़ था, उनकी खुद की शिकार कंपनी थी जंगल वेस के नाम से। अच्छा। सेंट्रल इंडिया में हम लोग अपने फोर्ट को भी, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू अ हेरिटेज होटल। अरे यार अब हो गई है भाई शाम, और शाम को मैं और अजय आगे चाय पीने के लिए। तो अजय वो एक स्टोरी बता रहा था, तो तेरे गांव की क्या छोटी स्टोरी थी कि जो ताजमहल पे सोने के कंसे होते हैं ना, हाँ, तो उस टाइम पे हमारे जो गांव के लोग हैं ना, जो जौक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, अरे गो गो गो, हाँ। गो से वो कंसे चुरा लिए थे। तुम्हारे गांव के या तुम्हारे परिवार के? मतलब गांव के, गांव में किसी से, तो वो कंसे चुरा लिए थे। तो उस टाइम पे जब कंसे चुरा लिए तो राजा ने ड्रम बजा के अनाउंसमेंट कराया कि कौन चुराया। जब जो कंसे चुरा लिए तो उससे पहले हमारा जो गोत्र था वो बिलसिया वगैरह था। बिलसिया, तो जब वो कंसे चुरा लिए तो हम हमारे पूरे गांव का गोत्र चोरा हो गया। चोरा मतलब चोर हो तुम एक नंबर के। हाँ, तो अब जो जो भी गोत्र मेन जो हमारा अब गोत्र है ना, अब चोरा हो गया है। अच्छा। उस कंसे चुराने के चक्कर उस चक्कर में। हाँ। वैसे दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो एक जानवर होता है गो करके बोलते हैं, सेम लाइक मतलब अपने कैसा होता है, कैसा बताऊं, मगरमच्छ टाइप का, जोंक नहीं होती वो यार, अपनी गो है यार, मैं लिख दूंगा नीचे देख लेना उसका नाम क्या है, पर्टिकुलर नाम क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा। लिंक डिस्क्रिप्शन में। वाह जी वाह, तगड़ा यूट्यूबर बन गया। तो जहाँ पे ग्रिप कर लेती है वहाँ पे उसको छोड़ती नहीं है, और
इन्होंने क्या किया कि उसकी पूंछ से रस्सा बांधा और फेंक दिया और वो वहाँ चिपक गई और उसके थ्रू ऊपर चढ़ते। ये पुराने टाइम में बहुत सारे लोग करते थे, बहुत चोर करते थे, तो आज वो चोर हमें आप मिल गया। तो थैंक यू तेरा भाई चोरा, वेलकम सर चोरा साहब, आपने मुझे डेढ़ दिन घुमाया, आगरा दिखाया, आगरा की खूबसूरती दिखाई, आगरा का ताज दिखाया। और सर आपके और... साथ मैंने राइड भी की मॉर्निंग में आज। हाँ यार, हम 20-30 किलोमीटर मैंने अपना पूरा 50 किलोमीटर कर लिया। तो थैंक यू वंस अगेन, और कभी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे इन राहों पे। रहोगे रहोगे, चिंता मत करो, बीच में एक और बार कभी मिलना है। मिलते हैं भाई को, करते हैं बाय बाय, और हम चलते हैं बाजार की तरफ कुछ और खाने को, कुछ खाने की चीजें भी दिखा दूं आज आप लोगों को। काफी फेमस है ये, ये ओरिजिनल पंछी वाली दुकान है भाई। सो अभी हम है भाई चाट गली में, क्या? हाँ चाट गली। तो लोकेश भाई आ गया, बोला हम डिनर करके आते हैं, तो हम आगे चाट गली में। तो चाट गली क्या क्या फेमस है लोकेश भाई? चाट गली में बल्ले वगैरह है, टिक्की, जो टिक्की खाएगा टिक्की वगैरह जो आपको पक्की बात है कुछ। हाँ। चलो आ जा फिर, इस बार मैं आपको थोड़ा फूडी फूडी सा लग रहा हूँ भाई, जगह जगह आपको खाने की चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो यार आगरा आए और आपने खाना नहीं खाया ढंग से, प्रॉपर फूड नहीं किया, तो फिर क्या देखा? स्वाद तो है भाई, मजा सा आ रहा है। मजा आया, बहुत बढ़िया सर्विस, बड़ी फास्ट है बंदे की। गोलगप्पे खाने का मजा जब है, जब तक पानी ना पियो ना तो मजा लग जाता। पानी पिला दो। हरी वाली चीजों की आदत होती है हमें। गोलगप्पे के बाद में टिक्की हो गई है, और पंडित जी की टिक्की तो अच्छी अच्छी लग रही है मुझे। पंडित जी चाट भंडार, आओ कभी आगरा हो तो चाट गली में ज़रूर आना भाई, चाट खा खा के मज़ा आ जाएगा। सो अल्टीमेटली हम आगे भाई लास्ट में घूम फिर के ना ओम भोजनालय में, और ओम भोजनालय में अभी डिनर कर रहे हैं, अपना तो फेवरेट पनीर आ गया है, पनीर खा गए। और लोकेश भाई बोला कुछ और मंगा लो, मैं यार क्या है, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाना उतना ही लेना चाहिए जितना खा सकते हो। और पनीर और मिसी रोटी खाएंगे, प्रभु का गुण गाएंगे और चलते बनेंगे। खाना खा के भाई हम आ गए हैं होटल के पास में, यहाँ पे एक चाय वाली दुकान है, लाइन लगती है भाई यहाँ चाय के लिए, आई एम टोटली सरप्राइज्ड। स्पीड हो रही है भाई पूरी। तो भाई ये आ गया मैं रूम में, ये रूम मुझे 700 रुपए पर डे के हिसाब से मिला था, और दो दिन मैं यहाँ पे रहा हूँ। और वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।